हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, मिनरल के यूजेस क्या हैं और मिनरल्स को कैसे बचाया जाए और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। अब हम आगे पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? द पावर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पावर रिसोर्सेज जो है वो हमारे डेली यूज़ में हम अलग अलग जो विभिन्न पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पावर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड इज़ ऑल्सो यूज बाय इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर। पावर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह किस किस उसमें काम में आता है? यह इंडस्ट्रीज़ में काम में आता है, ट्रांसपोर्ट में काम में आता है, कम्युनिकेशन में काम में आता है, डिफेंस में काम में आता है और तो और एग्रीकल्चर में, जैसे कि ट्यूबवेल चलाने में, फायर जो कृषि के जो उपकरण हैं उनको यूज़ करने में जो है ये पावर यूज़ आता है। आवर लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल विदाउट दिस पावर रिसोर्स। इन पावर रिसोर्सेज के बिना जो है हमारी लाइफ क्या है वो एक तरह से ठहर सी जाएगी, उसमें ठहराव आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पावर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, कौन सा? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, में द रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज सिंस अर्ली टाइम आर टर्म एज कन्वेंशनल रिसोर्सेज और ऑफ एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज जो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुराने समय से जो यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो उनको क्या कहेंगे? कन्वेंशनल सोर्सेज यानी पारंपरिक सोर्सेज कहेंगे। दीज आर एज फॉलोज। अब ये कौन कौन से होते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है फायरवुड। फायरवुड यानी लकड़ी। लकड़ी को हम जलाते हैं ना, तो जो लकड़ी जलाने के लिए उपयोग आती है उसे फायरवुड कहते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग सिंस अर्ली सिविलाइजेशन। ये अर्ली सिविलाइजेशन से यानी पुराने समय से लकड़ी किस काम में आती थी? खाना बनाने में और जो है उससे जो हीटिंग प्राप्त करने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए काम में आती थी। इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजेस कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे भारत में 50% से भी ज़्यादा जो ये एनर्जी का जो 50% है वो विलेजेस जो है किससे प्राप्त करते हैं? लकड़ी से। लकड़ी से जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं 50%। द एडवांटेज ऑफ फायरवुड आर दैट इट कैन बी ईजिली कलेक्टेड एंड इज़ अ चीप सोर्सेज ऑफ पावर। इसका मुख्य एडवांटेज क्या है कि जो ये आसानी से कलेक्टेड हो जाती है, आसानी से मिल जाती है और सबसे सस्ता पावर का रिसोर्स है ये। द डिसएडवांटेज ऑफ फायर आर दैट इज़ इट कॉज पॉल्यूशन। और जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इससे ये पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। डीफॉरेस्टेशन एंड इट पॉल्यूशन डीफॉरेस्टेशन एंड इट्स कलेक्शन इज़ लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। इससे पॉल्यूशन होता है, लकड़ी चाहिए तो जंगल को काटेंगे तो डीफॉरेस्टेशन होगा और इसको जो इसका कलेक्शन करने में, उसको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा समय, मेहनत और समय लगता है। नेक्स्ट है कोल। द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल फ्रॉम फाउंड ऑन द अर्थ इज़ कोल। सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल अर्थ पर मिलता है वो कौन सा है? कोल। ऑल द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच वर बरीड इनसाइड द अर्थ सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स वर कन्वर्ट इंटू फॉसिल फ्यूल ड्यू टू हीट और प्रेशर। ऑल द जो प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स हैं वो अर्थ के सरफेस में दब जाते हैं।
और हीट और हीट और प्रेशर के कारण जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, मतलब बहुत सारे जो हजारों साल के बाद में जो ये है किसमें फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। कोल जो है मेनली किसमें डोमेस्टिक फ्यूल में, यानी घरेलू फ्यूल में काम में आता है। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पहला तो हो गया घर में काम, घरेलू काम में आता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज उसमें होता है। फिर जो रेल के स्टीम इंजन होते हैं, भाप के इंजन होते हैं उसमें, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी जो है कोल काम में आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल इज़ थर्मल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से उत्पन्न की जाती है वो क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी। द कोल विच इज़ बींग यूज टूडे आर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जेन ट्री एंड फर्न्स गॉट बरीड इन टू लेयर्स ऑफ अर्थ। आज जो कोल काम में आ रहा है वो किससे कैसे बना कि हजारों साल पहले जो है ट्रीज और जो दूसरे फर्न्स जो है वो अर्थ में मिट्टी के अंदर दब गए थे। हेंस इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज बरीड सनशाइन, इसीलिए इसे जो है वो बरीड सनशाइन भी कहते हैं। कोल इज़ मेनली प्रोड्यूस इन चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड फ्रेंच। मेन जो कोल के प्रोड्यूस कंट्री वो है वो क्या है, चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया और यूरोप। इन इंडिया द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, हमारे इंडिया में कोल प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ होता है, जरिया, रानीगंज, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, झारखंड में जरिया, रानीगंज, धनबाद और बोकारो में। द एडवांटेज इज़ यूजिंग कोल इज़ दैट इज़ इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मुख्य मेन एडवांटेज क्या है कि ये जो है वर्ल्ड के हर पार्ट में, मोस्ट पार्ट में जो है ये अवेलेबल हो जाता है एंड इज़ एन एफिशिएंट मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो है सबसे एफिशिएंट मींस है, एफिशिएंट तरीका है। द एडवांटेजेस ऑफ कोल आर दैट इज़ कॉज पॉल्यूशन बल्की टू ट्रांसपोर्ट एंड द डिस्पोजेबल ऑफ एश इज़ डिफ़िकल्ट। इसका जो मुख्य है डिसएडवांटेज है वो क्या है इसकी जो कि कोल जो है कोल जलाने से पॉल्यूशन होता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बल्की इकट्ठा जो इकट्ठी मात्रा में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसकी जो राख है उसको डिस्पोजल करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। पेट्रोलियम आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। कोल पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। इट इज़ अ रिसोर्स विच इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। और ये रिसोर्स जो है वो पावर जनरेशन के में भी जो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ जनरली फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशन बेड। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है ज़्यादातर, जनरली कहाँ मिलता है, अर्थ और ओशन की जो समुद्र की जो तलहटी है, महासागर की तलहटी में ये मिलता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेड मरीन ऑर्गेनिज्म विच फेल इन द सी बेड। और ये ज़्यादातर कैसे फॉर्म्ड होता है, जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, जो इसके समुद्र के जो जीव जंतु है ये इनके डेड होने से, और ये जो सी बेड में दब जाते हैं उस, और फिर जो सेडिमेंट से कवर्ड हो जाते हैं, तो ये पेट्रोलियम हमको मिलता है। सी बेड एंड गॉट कवर्ड बाय सेडिमेंट एंड वॉज डिकेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड द ऑर्गेनिक रिमेन्स वर कन्वर्ट इनटू ऑयल। अब ये क्या उसमें सेडिमेंट्स में दब गए, उसके बाद जो है काफ़ी समय के बाद जो है काफ़ी लंबे समय के बाद में ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू हीट और प्रेशर दिस मूव्स थ्रू
पोरोस रॉक्स एंड इज एक्सट्रैक्टेड एज डीप बोरवेल। और इसको कैसे निकाला जाता है, पोरोस रॉक से और डीप बोरवेल से इसको खुदाई करके निकाला जाता है। ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेशन लोकेटेड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। इसको जो पेट्रोलियम को है ड्रिल करके जो है कोस्टल एरिया से निकाला जाता है। इट इज सेंट टू रिफाइनरी विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज पेट्रोल डीजल केरोसिन वैक्स प्लास्टिक। जो ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है इसे कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरीज में भेजा जाता है, उस वहाँ पे इसको प्योरीफाई किया जाता है। और प्योरीफाई करने के बाद में जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो अलग प्रोडक्ट्स को विभिन्न प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल केरोसिन वैक्स और प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स। द मेजर कंट्री प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम आर द कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। इसके जो मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूस मेजर कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये जो है यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। द अदर कंट्रीज़ आर द यूएसए, रशिया। दूसरी कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी है, यूएसए, रशिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला। इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन डिगबोई इन आसाम। भारत में ये जो है मेनली कहाँ प्रोड्यूस होता है, डिगबोई आसाम में, डिगबोई में और मुंबई में, बॉम्बे हाई में जो है ये, एंड द डेल्टा ऑफ रिवर एंड कृष्णा गोदावरी। और उसके अलावा रिवर और कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टाज है वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। द एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम आर दैट इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन और टैंकर्स। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि पेट्रोलियम को जो है पाइपलाइन और टैंकर के माध्यम से जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। इट इज़ यूज़ इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ये जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, लुब्रिकेंट्स में, पेंट्स में, सोप्स में, इमल्शंस में, आदि में। द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम आर दैट इज़ कॉज पॉल्यूशन एंड इट कैचेस फायर इजीली। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये पॉल्यूशन का एक कारण है और ये आग को जल्दी पकड़ लेता है। एंड इज़ अ फायर हैजार्ड। इट इज़ एग्जिबिट वंस यूज इट इज़ फिनिश। एक बार जो इसको यूज़ कर लिया जाता है तो उसके बाद ये जो है फिनिश हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।